डिस्प्ले डे ऑफ गिवन डे नंबर, ठीक है। तो इसका आउटपुट डिस्कस करते हैं बच्चों। पहले आउटपुट कैसे आएगा, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा एंटर डे नंबर, ओके। जैसे ही ये मैसेज आएगा देन यू विल एंटर डे नंबर। सपोज करो आपने यहाँ पे 3 एंटर कर दिया, तो ये क्या डिस्प्ले कर दे नेक्स्ट लाइन में, द डे इज ट्यूजडे, ओके। इस हिसाब से मैसेज ये डिस्प्ले कर दे, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ कंडीशनल आउटपुट आएगा हमारा, आउटपुट फिक्स नहीं है कि क्या प्रिंट होके आएगा। सपोज करो मैं यहाँ पे 1 टाइप कर देती हूँ, इफ डे नंबर इज 1 देन डिस्प्ले डे इज संडे। अगर मैं यहाँ 2 टाइप करती हूँ देन इफ डे नंबर इज 2 देन डिस्प्ले मंडे, ठीक है। 3 है तो ट्यूसडे, 4 है तो वेंसडे, 5 है तो थर्सडे। इस हिसाब से हमारे जो डे नंबर है वो आगे आगे चलेंगे, ठीक है। तो जो ये प्रिंट होएगा ये किस बेस पे होगा बच्चों, कंडीशन के बेस पे होगा। तो यहाँ पे हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे इफ कंडीशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है हमारी किस चीज की, डेटा की, ठीक है। इस प्रोग्राम के लिए हमें कौन सा डेटा रिक्वायर, चलो तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है डेटा की, हमें आउटपुट चाहिए। जो आउटपुट कैसे स्टार्ट होगा, फर्स्ट यू विल एंटर डे नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, मैसेज डिस्प्ले कर देंगे D equals to input enter day number, okay enter day number। ये message जैसे ही display होगा तो क्या करेगा, आपके पास cursor आ जाएगा with message enter day number। यहाँ पे message आ जाएगा enter day number और उसके बाद कर्सर आ जाएगा। जैसे ही आप टाइप करेंगे कुछ कहाँ पे चला जाएगा, वो डी वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप टाइप करेंगे वो कहाँ चला जाएगा, डी वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम चलाएंगे कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन इफ स्टेटमेंट कोई आइडिया लगाएगा अमित, अमित Yes, ma'am. बच्चे बोलो क्या इफ कंडीशन बन सकती है इसके लिए, दीक्षा? Yes, ma'am. क्या इफ कंडीशन बन सकती है बेटे? इससे स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हमको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। यस मैम। किसको कंपेयर करेंगे, मुस्कान किसको कंपेयर करेंगे बच्चों, यहाँ क्या कंडीशन बन जाएगी इसकी? हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, डे नंबर इक्वल्स टू 1, है ना। सबसे पहले तो यही चेक करेंगे इफ डे नंबर इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, जो हमारा डे नंबर है, डे नंबर किस वेरिएबल में है, डी के अंदर है, है ना, डी इक्वल्स टू, ठीक है। फिर क्या दे देंगे, किसके इक्वल्स टू है, डी 1 के इक्वल्स टू है। तो क्या करेंगे देन क्या कर दे, प्रिंट कर दे डे इज संडे। तो ये मैसेज डिस्प्ले कर दे, डे इज संडे। क्या ये मैसेज एग्जीक्यूट होगा,
इस प्रोग्राम में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, बताओ। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है मैम? आपने वन वन तो दिया ही नहीं। वन वन देंगे थोड़ी ना बेटे, वन तो नंबर है। कंपेयर करते ना, तो हम कंपेयर करेंगे d इक्वल्स टू वन, तो ये क्या चेक करेगा? जो d की वैल्यू है इक्वल्स टू वन है, अगर d के अंदर हमने वन टाइप कराया तो कंडीशन क्या हो जाएगी? वन इक्वल्स टू वन, रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, अगर मान लो d के अंदर हमने थ्री टाइप कर दिया तो ये आ जाएगा थ्री इक्वल्स टू वन, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं चलेगी। ये प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसमें प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ आती है तो। एंटर डे नंबर हमने टाइप करा वन, वन ही टाइप कर देते, कुछ भी नहीं डिस्प्ले किया, होना चाहिए था ना डिस्प्ले। देखो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, जैसे ही देखो मैं इसको रन करती हूँ, एंटर डे नंबर, जैसे ही मैंने यहाँ वन प्रेस करके टाइप किया ना, ये जो वन है ये किसमें स्टोर हो गया? ये स्टोर हो गया बच्चों डी में, है ना, डी में स्टोर हो गया। फिर इसने कंपेयर किया डी इक्वल्स टू वन, जो वन है वन तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वन तो वन ही रहेगा। ठीक है, वन की कोई वैल्यू नहीं होती, वन खुद ही एक वैल्यू है। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू वन, तो यहाँ डी के अंदर क्या स्टोर हो गया था बच्चों? वन स्टोर हो गया था, तो यहाँ वन इक्वल्स टू वन, बट दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, इसका रिजल्ट तो ट्रू आना चाहिए, इसका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, तो यहाँ पे इसको मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए था, बट इट इज डिस्प्लेइंग नथिंग। सी क्या टेक्निकल एरर हो सकती है इसमें? देखो क्या प्रॉब्लम हुई बच्चों, ये है ना, हमने बहुत ही स्टार्टिंग में किया था, जैसे ही हम इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं ना बच्चे, बाय डिफॉल्ट ये किस कैटेगरी का डेटा एंटर करता है? जो हम यहाँ पे डेटा टाइप करते हैं ना, ये किस कैटेगरी का होता है? रिप्लाई फर्स्ट, ये तो कई बार कर चुके, ये किस कैटेगरी का होता है? मैम स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का, वेरी गुड। देखो और यहाँ हम कंपेयर किसको कर रहे हैं? नंबर को, है ना, यहाँ कंपेयर किसको कर रहे हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू को। डे के अंदर है स्ट्रिंग वैल्यू और हम कंपेयर कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से। स्ट्रिंग वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू की जो एस की वैल्यू है वो कभी सेम नहीं होती है, ये कंसेप्ट हमने किया था ना एस की वैल्यू वाला। ये देखो, ये जो एस की चार्ट होता है ना बच्चों, ये किस पे अप्लाई होता है? ये होता है स्ट्रिंग टाइप पे अप्लाई। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप का वन डालते हो तो उसकी वैल्यू 49 नहीं होगी, लेकिन जो ये यहाँ पे वन है इसकी वैल्यू कितनी है? 49। ये किस कैटेगरी का है? यहाँ पे स्ट्रिंग कैटेगरी का है। ओके, अभी देखना है, ये देखो यहाँ पे जैसे ही हम इसको कोर्स में डाल देंगे ना, तो ये यहाँ पे इक्वल शो करेगा। एंटर डे नंबर वन, ठीक है, एंटर, डे इज संडे, गॉट द पॉइंट। ये इसने यहाँ पे प्रॉब्लम किस लिए दी थी बच्चों? किस लिए कंपैरिजन नहीं करता था? अब आप मान लो ये कंडीशन लगे, आपको तो लगे कि बिल्कुल ठीक है भाई, मैडम इसको तो डे इक्वल्स टू वन दिया और वन अगर हम एंटर कर रहे हैं देन दिस शुड डिस्प्ले डे इज संडे, बट इट इज नॉट डिस्प्लेइंग एनीथिंग। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आई? आपकी प्रोग्राम की एरर नहीं थी, ये कंसेप्ट की एरर नहीं थी, आप लोगों का कंसेप्ट आप बिल्कुल ठीक लगा रहे, लेकिन ये एरर किस चीज की आई बच्चों? डेटा टाइप मिसमैच की। जो यहाँ पे वन था वो किस कैटेगरी का था? स्ट्रिंग कैटेगरी का था, और जो आप यहाँ वन लिख रहे थे वो किस कैटेगरी का था? वो इंटीजर कैटेगरी का था। तो आपने क्या किया, जो ये वन लिखा इसको आपने कन्वर्ट कर दिया
स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग का वन इक्वल्स टू स्ट्रिंग का वन, कंडीशन सेटिस्फाइड, ओके। या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको तो वन ही रखो इंटीजर का ही, यहाँ पे आप इनपुट के टाइम पे उसको मेंशन कर दो कि लुक व्हाट एवर वी आर गोइंग टू टाइप यू हैव टू ट्रीट दैट डेटा एज इंटीजर। इस केस में भी चल जाएगा, यहाँ पे मैं वन ही रखूंगी। ये छोटे छोटे पॉइंट है बच्चों, इसी से आपका प्रोग्राम चलता है और कई बार नहीं भी चलता। देखो अब मैं वन अब डे संडे, ओके, क्योंकि जो डेटा है ना डी का और वन, ये बोथ आर ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है। अब आगे ये प्रोग्राम आप लोगों को मुझे लगता है कि थोड़ा समझ आ जाएगा। अब मैंने कंपेयर किया डे इक्वल्स टू वन, देन डे इज संडे, आगे मैं क्या लिख सकती हूँ इसमें सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन मुझे देनी है डे इक्वल्स टू टू, बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे। एलिफ, एलिफ, वेरी गुड। फिर डी इज इक्वल टू टू, डी इक्वल्स टू टू, वेरी गुड। और मैं वो सेमी कोलन, सेमी कोलन नहीं सिर्फ कोलन, हाँ कोलन। प्रिंट, प्रिंट डे, क्या प्रिंट करते हैं, डे इज मंडे, ओके। अब यही सेम चीज हम कॉपी कर सकते हैं बार बार, है ना, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर डे इज इक्वल टू थ्री तो क्या दिखा दें, ये डे इज ट्यूजडे, डे इज फोर तो क्या डिस्प्ले कर दे, ये वेडनेसडे। अगर डे इज फाइव देन थर्सडे, डे इज सिक्स देन फ्राइडे, डे इज सेवन देन सैटरडे, सेवन, ठीक है। आगे हमें नहीं, हमें वन टू सेवन कंपेयर करना। इसको हम लास्ट वाले को एल्स में दे सकते हैं, ठीक है। अगर डे हमारा संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे नहीं है, देन इट मींस डे इज सैटरडे। Then is there any requirement to give condition for Saturday? No ma'am. चलो देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। Okay. डे नंबर थ्री, डे इज ट्यूजडे, ठीक है। डे नंबर सिक्स, डे इज फ्राइडे, ओके। अगर डे नंबर मैंने यहाँ पे एंटर किया है बच्चों, क्या डे नंबर डाल दूं मैं यहाँ पे, नाइन, डे इज सैटरडे, आ गई प्रॉब्लम, है ना। अगर मैंने नाइन डाला है तो इसको तो कुछ नहीं दिखाना चाहिए, है ना। मैं यहाँ अगर नाइन दिखाएगा क्या, पहले वाली स्टेटमेंट तो एग्री नहीं करती तो अगला तो दिखाएगा ही। हाँ, अगर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाइड नहीं होती है देन एल्स पार्ट विल डेफिनेटली रन, ठीक है। Else तो definitely चलेगा, जबकि हमारा इस केस में क्या है, चलना नहीं चाहिए else, ठीक है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वही कंडीशन लिखनी पड़ेगी, एलिफ
D equals to 7, only then it will display Saturday. Okay, only then it will display Saturday. चलो execute करते हैं. Enter day number. हमने लिखा 7, display Saturday. Enter day number. हमने लिखा 9. Nothing it is displaying. But it must display some message, है ना? That you are entering wrong value, or value should be between 1 to 7. Days are 7, you can check between 1 to 7 only. ऐसा कुछ message आना चाहिए ना? हमें यहाँ पे message display करना है कि if and in any case I will type value more than 7, then it will display the message. Wrong values entered. Okay, ये message ये display कर देगा. Wrong values entered. Okay. Okay. If I will enter 12, then wrong values entered. ठीक है? जब भी मैं एक से सात से ज़्यादा value यहाँ पे enter करूँगी, then it will display error message wrong value entered. Okay. अच्छा मैं एक और चीज़ आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि मैंने ये यहाँ पे elif किया है ना, अगर मैं इसको नहीं करती हूँ तो भी ये चल जाता है. अगर मैं इसको यहाँ पे सिर्फ इफ कंडीशन देती हूँ, तो क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा प्रोग्राम? यस मैम, शायद शायद से. चलो चला के देख लेते. मैंने टाइप किया 1, इसने डिस्प्ले कर दिया डे इज संडे. मैंने यहाँ टाइप किया 1, बहुत स्लो हो गई है. चलो इसको डिलीट कर देते एक बार. डे इज 4, वेंसडे. ये तो सही दिखा रहा है. फिर एल्स लिखने की क्या नीड पड़ गई? ये पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनना बच्चों. डे इज मंडे, फिर भी सही दिखा रहा है. ठीक है, देखो अब मैं इसका डिफरेंस बताती हूँ. अगर आप ऐसे इफ इफ करके भी लिखेंगे ना, इफ डे इक्वल्स टू 1 देन प्रिंट ये डे इक्वल्स टू 2. अगर आपको इनवैलिड डे दिखाना है, इफ आप लिखेंगे इफ डे इज ग्रेटर देन 7, तो उस केस में ये क्या डिस्प्ले कर दे? प्रिंट रॉन्ग डे नंबर. ठीक है, अब ये प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं. हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करते हैं 9. ठीक है, कितनी वैल्यू एंटर हो गई थी इसकी? चलो दोबारा करते हैं. हमने एंटर किए 9. रॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है. देखो अब इसका डिफरेंस समझना. जैसे आपने ये इंडिविजुअल इफ कंडीशंस लिखी है ना बच्चों, यहाँ पे एलिफ लिखना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन हम उसको लिखते हैं. क्यों? क्योंकि उससे हमारा टाइम बचता है. ठीक है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बचती है. ठीक है, अब इसमें इसने यहाँ लिखा इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्या करेगा? ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, अदरवाइज ये इस कंडीशन को चेक करेगा अगर एलिफ लिखा होता तो. लेकिन अभी इस केस में ये क्या करेगा?
फर्स्ट इट विल चेक डी इक्वल्स टू वन. ये देखो इस वाले केस में ये क्या करेगा, ये चेक करेगा डे इक्वल्स टू वन, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा. फिर ये चेक करेगा डे इक्वल्स टू टू, नहीं है. फिर ये चेक करेगा डे इक्वल्स टू थ्री, नहीं है. डे इक्वल्स टू फोर, नहीं है. डे इक्वल्स टू फाइव, नहीं है. डे इक्वल्स टू सिक्स, नहीं है. डे इक्वल्स टू सेवन, नहीं है. डे इज ग्रेटर देन सेवन, नहीं है. और फिर ये आगे के जो अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको एग्जीक्यूट करेगा. ये किस केस में है, व्हेन वी हैव नॉट रिटर्न एलिफ, हमने इसको एल्स में नहीं कन्वर्ट किया. अगर हम इसको एल्स में कन्वर्ट कर देते, अगर हम यहाँ पे एलिफ एलिफ लिख देते तो उससे क्या होगा, ये जो इफ कंडीशंस है ना ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी. ये देखना एक बार, ये कभी वाइवा का नंबर आएगा ना देन ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगी कि एलिफ अगर ना लिखे तो ये क्या आपको. देखो इसमें क्या हो गया, इसमें ये जो इफ है ना ये कंप्लीट एक इफ बन गया. ठीक है, पहले सारे के सारे क्या थे बच्चों, इंडिविजुअल इफ थे, लेकिन अभी ये क्या बन गया, एक सिंगल इफ बन गया. इसकी कनेक्टिविटी होगी, जैसे ही आपने एल वर्ड इसमें जोड़ दिया वैसे ही क्या हो गई, इसकी कनेक्टिविटी हो गई. जैसे आपने लिखा डे इक्वल्स टू वन, अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो उस केस में ये चेक करेगा इसको. आया समझ में, अगर ये फॉल्स है तो उस केस में ये चेक करेगा सेकंड वाली स्टेटमेंट को. सपोज करो हमारी सेकंड वाली स्टेटमेंट ट्रू निकलती है, द डे वी हैव एंटर्ड हियर इज टू. जैसे यहाँ पे अगर हमने टू डाला है तो उस केस में क्या करेगा, ये कंडीशन इसकी यहाँ पे हो गई ट्रू, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही कहाँ पे आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा. और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिख रखी है वो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी. आया समझ में, अगर आपने इफ लिख रखा है सिर्फ इफ, तो उस केस में क्या होगा, ये हर एक इफ को चेक करेगा कि ये इफ चलेगा, इसकी इसकी कंडीशन, हर इफ की कंडीशन चेक करेगा. लेकिन हमारा पॉइंट क्या है इधर, कि जैसे ही उसको अगर ये कंडीशन ट्रू मिल गई है तो उसको आगे तो चेक ही नहीं करना चाहिए. जैसे उसको ये कंडीशन ट्रू मिल गई है वैसे उसको आगे तो चेक ही नहीं करना चाहिए. आया समझ में, तो अगर हम इफ लिखेंगे तो अननेसेसरी हमारा प्रोसेसिंग टाइम जाएगा. अगर हम ये सारे एल गायब कर देंगे तो ये सारी की सारी इफ कंडीशन जो है वो इंडिपेंडेंट इफ कंडीशन बन जाएगी. और जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी ये हर एक इफ कंडीशन को चेक करेगा. ठीक है, लेकिन अगर एलिफ हमने लिख रखा है बच्चों, तो एलिफ लिखने से क्या होता है कि इसकी कनेक्टिविटी बन जाती है. अगर आपकी थर्ड वाली इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आगे की जितनी चार पांच छह जितनी कंडीशंस आपने लिख रखी हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी. उसको ये चेक ही नहीं करेगा, ये बाहर आ जाएगा. इसको पता चल जाएगा कि ओनली इफ वन इफ विल बी सेटिस्फाइड, तो जो पहला इफ इसको सेटिस्फाइड हो जाता है ये वहां से एग्जिट हो जाएगा. आया समझ में, तो आपका प्रोसेसिंग टाइम बचता है इससे.